हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.4 हमारी चल रही है और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हमें एक वन वेरिएबल की फॉर्म में 2x प्लस 9 को रिप्रेजेंट करना है। तो 9 को सबसे पहले शिफ्ट कर देंगे तो साइन हो जाएगा माइनस का और जो 2 है वो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस नंबर लाइन पे आप पुट कर देंगे कुछ नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमें नेगेटिव के नंबर्स की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स हमें चाहिए। अब देखिए माइनस का 9 अपॉन 2 ये बनेगा आपका माइनस का 4.5। तो इट मींस ये जो नंबर है ये -4 और -5 के बीच में आएगा। सपोज कर लो ये -4 है और ये आपका -5 है, तो जो यहाँ पे नंबर होगा इन बिटवीन दिस, ये जो नंबर है ये आप लोगों का x इज इक्वल टू माइनस का 9/2 या माइनस का 4.5 बन जाएगा। और इस तरीके से वन वेरिएबल में हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन डन कर दिया। अब चलिए करते हैं बात इन टू वेरिएबल्स की। इसको आप इरेज करेंगे। चलिए हमें पता तो है ये कि क्वेश्चन में टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है और इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें पता है दो वेरिएबल्स अगर आने हैं तो जैसे एक वेरिएबल दिया हुआ है 2x, तो सेकंड वेरिएबल को लेके आने के लिए हम लोग 0 मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे। याद रखिए y के साथ 0 लगा हुआ है तो आप x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप लोग y की वैल्यू ही पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू एक्स 2x, ये तो 0 हो गया, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लो 1 पुट कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि y के साथ 0 लगा हुआ है, तो वो y जो कुछ मर्जी पुट कर लो आपको हमेशा x की वैल्यू माइनस का 9/2 आएगी। इसका आप सॉल्यूशन बॉक्स बना लेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग x की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे या क्यों नहीं पुट कर सकते, वो भी आपको मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू माइनस का 9/2 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस का 9/2 और y की वैल्यू 1 है, तो ये अपने पास दो वैल्यूज आ गई। वी कैन प्लॉट द ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिस इज y y डैश x x डैश। तो जो पॉइंट है वो हमें y के तो 0 से 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3 सफिशेंट है और यहाँ पे -1, -2, -3 ये भी सफिशेंट है। जो x की वैल्यू है वो माइनस में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमें वैल्यूज -4.5 है, तो यहाँ पे इतना हमें वैल्यूज पुट जरूर करनी है कि वो हमारा इजी से प्लॉट हो जाए। तो इनके बीच में माइनस का 4.5 आ जाएगा। तो जब y 0 है, x की वैल्यू माइनस का 9/2 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका ये वाला बनेगा। इसको आप a लेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू है माइनस का 9/2 और y की वैल्यू है 0। जब y 1 है तो x की वैल्यू माइनस का 9/2 है, तो इट मीन्स जो पॉइंट है वो यहाँ पर बन जाएगा और इसे आप लिख देंगे 9/2 माइनस का कोमा 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे बाय दिस लाइन। तो इस तरीके से ये जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस 0y प्लस
इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपके पास प्लॉटिंग डन हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू पुट क्यों नहीं करनी, या क्या होगा अगर x की वैल्यू पुट करेंगे? सपोज कर लो आप लोग इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट कर देते हो, तो टू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वाई ये एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो खत्म हो गया, जीरो इंटू वाई प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो। तो नाइन आप उधर भेजोगे तो वो नाइन माइनस का हो जाएगा। अब y निकालने के लिए आपको जो जीरो है वो डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, एंड समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए हम लोग y की वैल्यूज यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, हम सॉरी x की वैल्यूज पुट करके y नहीं निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते, हमें y की वैल्यूज ही पुट करके x निकालना है। तो इसी तरीके से अगर आपको y अकेला वेरिएबल दिया होता है और आप जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स करते हो, तो वहां पर भी आपको x की वैल्यू पुट करके y निकालना होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। और अगर बाय द वे आप गलत कर भी गए, फिर भी आप लोग वैल्यू जो पुट करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आई होप कि 4.4 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।